पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सर्किट डायग्राम के बारे में बात की थी, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर के। उसमें मैंने आपको ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच रिलेशन बताया था, फेजर रिलेशन भी बताया था और स्केलर रिलेशन भी बताया था। तो मैंने आपको कुछ इक्वेशंस याद करने के लिए बोला था, जो कि मैं मानता हूँ अब तक याद कर लिए होंगे जो लोग भी इन वीडियोज को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। एक तो मैंने ईएफ और वीटी का रिलेशन याद करने के लिए बोला था, एक टेन साई का एक्सप्रेशन, एक साई इक्वल टू डेल प्लस फाई और एक वोल्टेज ड्रॉप इक्वेशन बोला था, जिसमें ईएफ और वीटी का डिफरेंस लेके हमने निकाला था आईए इनटू जेडएस। ये चार इक्वेशन हमें याद करनी थी और मैंने साथ ही साथ ये बताया था कि जनरेटर की इक्वेशन को मोटर के लिए कैसे अप्लाई करोगे और फिर लैगिंग वाली इक्वेशन को लीडिंग के लिए कैसे अप्लाई करोगे, ये टेक्निक मैंने आपको समझाया था। तो अगर वो चार इक्वेशन याद है तो सिंक्रोनस मशीन पे बेस्ड जो मोस्ट टिपिकल न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सर्किट हमने ड्रॉ किया है उसी से आगे चलेंगे और अब हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। अब देखो, मैंने वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में एक चीज बता रखी है ऑलरेडी कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा मशीन के आउटपुट पे निकलता है। तो किस मशीन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन किया जाता है, जिसका आउटपुट वोल्टेज हो या जिसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल हो। यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा डिफाइन किया जाएगा जनरेटर के लिए, नॉट फॉर द केस ऑफ मोटर। मोटर का आउटपुट मैकेनिकल होता है, वहां टॉर्क और स्पीड हमें मिलते हैं, इसलिए मोटर के लिए स्पीड रेगुलेशन तो डिफाइन होता है, बट वी डोंट डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में हम ऑलरेडी भी पिछले दो टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर भी और डीसी मशीन के अंदर भी। सिंपली अगर मैं लिखूं वोल्टेज रेगुलेशन का सबसे बेसिक रिलेशन क्या होता है बताओ, वोल्टेज रेगुलेशन जो जनरल फॉर्मूला है, दैट इज मॉड वी नो लोड माइनस मॉड वी फुल लोड, और मैं नीचे क्या लिखने के लिए बोलता हूं, मॉड वी रेटेड। मैंने बताया था ना, नीचे ना नो लोड लिखो ना फुल लोड लिखो, क्या लिखो, रेटेड वोल्टेज। अक्सर क्या होता है, जो फुल लोड वोल्टेज होती है यही रेटेड वोल्टेज होती है। यूजुअली मॉड वी एफ एल इज एक्चुअली इक्वल टू मॉड वी रेटेड। अब एक चीज बताओ कि इतना तो जान गए होगे ना वोल्टेज रेगुलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है भाई। वोल्टेज रेगुलेशन हमें बताता है कि मशीन का आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होगा लोड बदलने से। लोड बदलने का मतलब जो उस पर कनेक्टेड करंट ड्रॉ कर रहा है, जो भी मशीन है, मोटर है, कोई और मशीन है, एसी है, पंखे हैं, कोई भी ऐसा जो सिस्टम अगर तुमने जनरेटर से कनेक्ट किया है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ लोड। तो जब वो करंट जो निकाल रहा है मशीन से, वो करंट बदलता है तो आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होती है, दैट इज योर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, जैसे अगर बात करो एसी ज्यादा करंट ड्रॉ करता है एज कंपेयर टू फैन और एलईडी लाइट, तो यही चीज हम बस बोल रहे हैं कि जब जब मशीन से निकलने वाला करंट बदलेगा तो उसकी वोल्टेज कैसे बदलेगी, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एक बार डेफिनेशन लिख लो, वोल्टेज रेगुलेशन रिप्रेजेंट्स द फ्लक्चुएशन इन आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटर एज द लोड ऑन द ऑल्टरनेटर इज वेरीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, नो लोड से फुल लोड जाते हुए वोल्टेज कैसे वेरी करती है, दैट इज कॉल्ड एज योर वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो, बात हमें सिर्फ ऑल्टरनेटर की करनी है तो मैं ऑल्टरनेटर का सर्किट बना रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंड्यूस्ड डीएमएफ। फिर हम लोग क्या बनाते हैं भाई, सिंक्रोनस रिएक्टेंस बनाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया भी था कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होती है, लीकेज प्लस आर्मेचर रिएक्शन। फिर हम बनाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और ये होती है वीटी और ये होता है आईए। अब ये जो V नो लोड और V फुल लोड है ना, ये VT की ही दो वैल्यूज हैं, एट नो लोड एंड फुल लोड। तो मैं क्या बोलता हूं देखो,
ये जो वी टी है, वी टी इज एक्चुअली वी नो लोड व्हेन आई ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब आई ए जीरो होगा तो एक्सेस में कोई वोल्टेज नहीं आएगा, आर ए में भी कोई वोल्टेज नहीं आएगा, तो वी टी पे कितनी वैल्यू मिलेगी? ई एफ इक्वल टू मॉड ई एफ। बात मेरी समझे? अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो मशीन में इंटरनली कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, तो जो ई एम एफ है वही टर्मिनल वोल्टेज है। और फिर हम ये कहते हैं मॉड वी एफ एल इज एक्चुअली इक्वल टू मॉड वी टी व्हेन आई ए इज इक्वल टू आई ए रेटेड। जब रेटेड करंट फ्लो करता है तो जो वोल्टेज आती है दैट इज वी एफ एल। तो यहां से वोल्टेज रेगुलेशन कितना बन गया? नो लोड माने ई एफ, फुल लोड माने वी टी, और मैंने बोला था रेटेड भी ज्यादातर क्या होती है? वी टी। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटर के लिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ जाता है। अब इसके बाद एक पॉइंट लिखना, व्हाइल कंप्यूटिंग वोल्टेज रेगुलेशन वी मेक यूज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेजेस एंड नॉट देयर फेज। मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड नॉट देयर फेज, यानी देखो यहां वो इक्वेशन मत लगा देना जो मैंने वोल्टेज ड्रॉप के लिखवाई थी कि ई एफ और वी टी का सब्ट्रैक्शन। हम ई एफ और वी टी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम उनके मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेजेस एंड नॉट द वोल्टेजेस। यानी सब्ट्रैक्शन का मॉड नहीं चाहिए, हमें चाहिए मॉड का सब्ट्रैक्शन। अगला पॉइंट लिखो, बोथ नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज आइदर मस्ट बी पर फेज और बोथ मस्ट बी लाइन टू लाइन। ठीक है, या तो ई एफ और वी टी दोनों ही पर फेज में लेके चलो या दोनों ही लाइन में लेके चलो। ऐसा कभी भी गलती से मत करना कि एक वोल्टेज पर फेज और एक वोल्टेज लाइन। ठीक है, अब देखो जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है ना, इसका अप्रोक्सीमेट रिलेशन ऐसे लिख दिया जाता है, अप्रोक्सीमेटली कि ई एफ और वी टी का गैप ऑलमोस्ट आई ए एक्सेस आ जाता है, और नीचे भी रेटेड वोल्टेज लिख देते हैं ई एफ। ठीक है, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है। अब हम क्या कहते हैं, जो भी रिएक्टेंस होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और ई एम एफ तो 4.44 एफ एन फाइव से फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। इसीलिए यहां से रिलेशन ये बन जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा अप्रोक्सीमेशन बन जाता है। अब इससे क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी किसी भी जनरेटर के अंदर कितनी आती है हम ये जानते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड है 120 एफ बाय पी, लेकिन हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि फ्रीक्वेंसी है पी एन एस बाय 120। जनरली ये रिलेशन मोटर्स के लिए यूज होता है और ये रिलेशन जनरेटर के लिए। अब भाई दिमाग में ये आएगा, ये तो दोनों रिलेशन तो सेम ही है, फर्क क्या है? फर्क देखो ये है कि मोटर में हम फ्रीक्वेंसी से स्पीड निकाल रहे हैं और जनरेटर में स्पीड से फ्रीक्वेंसी। यानी जनरेटर में प्राइम मूवर रोटर को जितनी स्पीड पे घुमाएगा उसी के हिसाब से स्टेटर में फ्रीक्वेंसी बनेगी, और मोटर में जितनी स्टेटर पे फ्रीक्वेंसी लगाओगे उसी के हिसाब से वहां पे स्पीड बनेगी। तो ये दोनों रिलेशन में डिफरेंस है। तो हमने क्या बोला, एक तरह से अगर वोल्टेज रेगुलेशन फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है तो वो स्पीड से भी इंडिपेंडेंट होगी। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, सिंस वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इट शुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ मशीन। ये बात क्लियर हुई? अब इस रिलेशन का यूज कहां करोगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेट है। कई बार देखो क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एट 800 आरपीएम द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज 10%। वॉट विल बी द वोल्टेज रेगुलेशन इफ द ऑल्टरनेटर रन एट 900 आरपीएम। सपोज ऐसा बोल दिया।
अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या कहोगे कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, जिस कारण से वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, दिस अप्रोक्सीमेशन शुड ओनली बी यूज व्हेन वोल्टेज रेगुलेशन डेटा इज गिवन एट वन स्पीड एंड वी विश टू डिटरमाइन द वोल्टेज रेगुलेशन एट सम अदर स्पीड। ठीक है, एक स्पीड पे रेगुलेशन पता है, दूसरी स्पीड पे निकालनी है, तब इस अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हो। मेरी यहां तक बात क्लियर हुई? ये क्लियर है वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में या इस टाइप के रिलेशंस में, हम जनरली क्या करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के, ईएफ की इक्वेशन मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कराई है कि वीटी की टर्म्स में ईएफ कैसे आता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि ईएफ निकाल लेते हैं और फिर सीधा वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में डाल देते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट हम नहीं लगाते हैं, सिंपली हमेशा क्या करना है, जो ईएमएफ की इक्वेशन है वहां से ईएफ निकालो, उसके मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, और वो मैग्नीट्यूड फिर वोल्टेज रेगुलेशन के एक्सप्रेशन में पुट कर दिया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और लिखना, व्हाइल कैलकुलेटिंग नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज द एक्साइटेशन मस्ट बी कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि वी नो लोड और वी फुल लोड लेते हुए फील्ड करेंट फिक्स रखना है। अगर आई एफ कॉन्स्टेंट है तो ई एफ कॉन्स्टेंट है, ऐसा ना हो नो लोड लेते हुए ई एफ अलग ले रहे हो और फुल लोड लेते हुए ई एफ अलग ले रहे हो, ई एफ दोनों में सेम होना चाहिए, बदलेगा सिर्फ क्या वी टी। तो फील्ड करेंट को कभी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में बोल ही दिया है फील्ड करेंट चेंज कर रहे हैं तो बात अलग है, बट प्रैक्टिकली जब वोल्टेज रेगुलेशन निकाला जाता है फील्ड करेंट नहीं बदला जाता है। अब देखो यहां से एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे हम लोग जाते हैं थोड़ा,